सुरेश जी, जिस समाज ने तय कर रखा है उस ध्येय वाक्य को सार्वजनिक रूप से सबके सामने वो प्रदर्शित हो और उस ध्येय वाक्य के आधार पर हम अपने काम को, अपने कर्मों को, अपने सारी चीजों को, अपनी कार्य पद्धति रीति नीति को ठीक करें, इसकी दृष्टिकोण से यह एक छोटा सा स्तंभ जिसको अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महासभा गौरव स्तंभ के नाम से हम भविष्य में जानेंगे। वास्तव में पिछले 10 दिन में नगर निगम से प्रयास कर यह स्थान अलॉट किया और यहाँ कुछ परेशानी थी और परेशानी ये थी कि कुछ कुछ परेशानी ये थी कि ये चौराया 2-3 बार प्रयास किया लेकिन शायद कहीं कोई समस्या रही और चौराया 2-3 बार टूटा भी, लेकिन ईश्वर की कृपा से, भगवान महेश की कृपा से, आप सब लोगों की दुआओं से, शुभकामनाओं से हमने 3 दिन में इस चौराहे को वापस, अभी इसका काफी काम होना बाकी है लेकिन आप सब लोगों की गौरवशाली उपस्थिति में ये चौराया आने जाने वाले को महेश्वरी समाज के सेवा त्याग सदाचार को लोगों के बीच में सदैव दर्शाता रहेगा। और हम उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में, अभी मेयर साहब भी आने वाले हैं और मेयर साहब ने ये उम्मीद जताई है कि जोधपुर के ज्यादातर चौराहों को महेश्वरी समाज, जैसे समाज अपना शानदार विकास करता है वैसे महेश्वरी समाज जोधपुर के विकास में भी अपना योगदान करे। इसलिए मेयर साहब ने ये कहा है कि ये बहुत छोटा स्थान है, लेकिन हम भी मानते हैं छोटा स्थान है, लेकिन मैं मानता हूँ छोटे स्थान से एक बड़ी शुरुआत है। 125 साल जोधपुर में महेश्वरी महासभा के गौरव स्तंभ के नाते ये सब लोगों के सामने रहेंगे और इस बहुत छोटे से अवसर पर हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़े भाई साहब श्याम जी जाजू, हमारी महासभा के माननीय सभापति जी, माननीय महामंत्री जी, हमारे नांदेड़ के कलेक्टर भाई सुरेश जी कांकानी, बहन विमला जी, हमारे एसपी जीआरपी श्री ललित जी महेश्वरी सहित हमारे पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के चेयरमैन मोहित चंद जी और जितने भी हमारे सारे, ये सब विभूतियां हैं, सबका नाम ले जैसी स्थिति में है वो ले नहीं सकते, लेकिन मैं पुनश्च आप सब लोगों का बहुत सारा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इस छोटे से कार्यक्रम में भी आप सब लोगों ने आके शुभकामनाएं दी, सद्भावनाएं दी, इसके लिए आपका पुनः पुनः हृदय से धन्यवाद। और मैं विनती करना चाहता हूँ कि इस अवसर पर, क्योंकि ये सार्वजनिक अवसर है और सार्वजनिक अवसरों पर श्याम जी भाई साहब कुछ हमको संबोधित नहीं करे ये संभव नहीं है समाज को। और दूसरी बात ये, अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि जो समाज सड़क पर आना नहीं जानता है वो समाज आगे बढ़ने के लिए ठीक नहीं होता है, तो हमने कोशिश की है कि समाज को किसी उद्देश्य के साथ सड़क पर लाकर सभी देश के विकास में काम करने के लिए हम काम करें। इस प्रेरणा से मैं आपसे विनती करूंगा कि आप हम सबको मार्गदर्शन करें।